हाय एवरीवन आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर थ्री का नेक्स्ट पॉइंट अभी तक हम चैप्टर नंबर थ्री हैव द कीप स्टोर सिक्योर में पढ़ चुके हैं पॉलिसीज़ फॉर हैंडलिंग सिक्योरिटी रिस्क प्रोसीजर फॉर हैंडलिंग सिक्योरिटी रिस्क और आज हम पढ़ेंगे होम टू रिपोर्ट सिक्योरिटी रिस्क इशूज़ किसको हमें अपने सिक्योरिटी इशूज़ के बारे में बताना है तो उसमें जो पॉइंट्स हम पढ़ेंगे वो इस तरह से हैं फर्स्ट पॉइंट हमारा होगा द स्टाफ मेम्बर ऑफ रिटेल स्टोर should report any security risk to either the security in charge or store manager. second point, oga, store security in charge is responsible for maintaining security in our retail stores. third point, oga, security in charge take decision regarding the security issue of the store in consultation with the store manager. fourth point, oga, store manager should focus on reporting इंसिडेंट्स एंड इन्फॉर्म द पुलिस इमिजिएटली सो फर्स्ट पॉइंट हम लोगों का जो है उसमें हम लोग पढ़ेंगे द स्टाफ मेम्बर ऑफ रिटेल स्टोर शुड रिपोर्ट एनी सिक्योरिटी रिस्क टू अधर द सिक्योरिटी इंचार्ज और स्टोर मैनेजर हम लोगों को करना क्या है अगर कोई भी सिक्योरिटी रिस्क रिटेल स्टोर्स में होता है तो उसकी रिपोर्ट हमें सबसे पहले अपने स्टोर के सिक्योरिटी इंचार्ज को नियर अबाउट सिक्योरिटी गार्ड को और ज हमारे स्टोर मैनेजर इनमें से जो भी हमारे पास सामने अवेलेबल है उसको हमें जो भी रिपोर्ट करनी है वो तत्काल प्रभाव से करनी है आपके स्टोर में आपके नियर अबाउट आपके स्टोर मैनेजर हो सकते हैं अगर वो नहीं है तो सिक्योरिटी इंचार्ज और अगर वो भी आपको नहीं दिख रहे हैं तो सबसे नियर अबाउट पर्सन जो है वो है आपका सिक्योरिटी गार्ड आप उनको सबसे पहले अपडेट करेंगे अगर कोई भी खतरा आप महसूस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट स्टोर सिक्योरिटी इंचार्ज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेन्टेनिंग सिक्योरिटी इन रिटेल स्टोर हमारा जो रिटेल सिक्योरिटी इंचार्ज है उसका काम है कि रिटेल स्टोर की पूरी सिक्योरिटी को वो मैंटेन करके चले कहीं भी किसी तरीके का कोई खतरा हमारे स्टोर पर नहीं होना चाहिए हमारा स्टोर पूरी तरह से सुरक्षित होना चाहिए इसकी पूरी जिम्मेदारी सिक्योरिटी इंचार्ज की होती है नेक्स्ट पॉइंट सिक्योरिटी इंचार्ज टेक डिसीजन रिगार्डिंग द सिक्योरिटी इशू और ऑफ द स्टोर इन कंसल्टेशन विद द स्टोर मैनेजर हमारा सिक्योरिटी इंचार्ज उसके पास पूरी अथॉरिटी होती है कि वो डिसीजन ले सकता है अगर कोई भी सिक्योरिटी रिस्क आता है लेकिन डिसीजन लेने से पहले उसको स्टोर मैनेजर के साथ कंसल्ट करना पड़ता है विचार विमर्श करना पड़ता है बातें साझा करनी पड़ती हैं वो जरूर बताएगा कि स्टोर मैनेजर्स को अपडेट कर करेगा हमारे स्टोर में क्या सिक्योरिटी रिस्क आ रहा है और किस तरह की नीड अभी हम लोगों को एट प्रेजेंट है नेक्स्ट पॉइंट स्टोर मैनेजर शुड फोकस ऑन रिपोर्टिंग इंसिडेंट्स एंड द पुलिस इमिजिएटली जैसे ही हमारा सिक्योरिटी इंचार्ज या सिक्योरिटी हेड स्टोर मैनेजर को रिस्क के रिगार्डिंग अपडेट देता है पूरी रिपोर्ट करता है उसके बाद हमारे स्टोर मैनेजर का काम है कि वो उस रिपोर्ट पे फोकस करे उसके इंसिडेंट पे फोकस करे और अगर कोई भी बड़ा क्राइम है तो उसकी तत्काल सूचना पुलिस को प्रोवाइड कराए क्योंकि लास्ट स्टेज होती है कि अगर कोई भी सिक्योरिटी इंचार्ज अपडेट कर रहा है और कोई भी चीज़ हमारे हाथ में नहीं है तो हम पुलिस की मदद से उस रिस्क को सुलझाने में हेल्प लेते हैं तो ये हमारा था होम टू रिपोर्ट सिक्योरिटी रिस्क इश्यूज आज हम पढ़ेंगे प्रोसीजर एंड टेक्निक्स फॉर पर्सनल सेफ्टी फ्रॉम सिक्योरिटी रिस्क हमारा पर्सनल सेफ्टी हम लोग कैसे मेंटेन करेंगे उसका क्या प्रोसीजर है और किन किन टेक्निक्स का हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो जो पॉइंट्स आज हम इसमें पढ़ेंगे वो है हमारे ऑलवेज रिमेन अलर्ट वेन देयर आर आर पीपल इन द स्टोर सेकेंड पॉइंट हमारा होगा बस द अलार्म सिस्टम इफ फिटेड इट यू एक्सपीरियंस एनी थ्रेड थर्ड पॉइंट होगा लिमिट एक्सेस टू एम्प्लॉय एरिया फोर्थ पॉइंट डो नॉट शेयर एनी पर्सनल इंफॉर्मेशन विद स्ट्रेंजर्स नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा कॉल द पुलिस इफ अ क्राइम हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस और इफ देयर इज अ थ्रेट नेक्स्ट पॉइंट होगा डो नॉट टच और डिस्टर्ब द एरिया ऑफ क्राइम नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा आस्क कस्टमर्स टू लीव द प्रोमाइसिस एंड द लास्ट इनकेस ऑफ रॉबरी लॉक द डोर एंड असेंबल ऑल द स्टोर स्टाफ इन बैक रूम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट था हमारा ऑलवेज रिमेन अलर्ट वेन देअर आर पीपल इन द स्टोर जब आपके स्टोर पे कस्टमर्स अवेलेबल है एक अच्छा खासा क्राउड आपके स्टोर पर है आपको हमेशा अलर्ट रहना है हमेशा अपडेट रहना है नेक्स्ट पॉइंट बस द अलार्म सिस्टम इफ़ फिटेड और इफ़ यू एक्सपीरियंस एनी थ्रेट हम लोगों को अलार्म सिस्टम बज करना है अगर हमें किसी भी तरीके का कोई थ्रेट या किसी तरीके का को कोई खतरा महसूस होता है लेकिन सबसे पहले अगर हम कोई एक्सपीरियंस हमें नहीं है और हमको सिर्फ एक आभास है तो हम अपने नियर अबाउट जो भी सिक्योरिटी गार्ड है उसको इसके बारे में अपडेट करेंगे क्योंकि वो वेल well ट्रेंड होते हैं कि किस सिचुएशन में अलार्म बटन प्रेस करना है और किस सिचुएशंस में खाली लोगों को बताकर ही अपडेट करना है तो सबसे पहले हम सिक्योरिटी गार्ड को अपडेट करेंगे अगर आप वेल ट्रेन्ड स्टाफ हैं और आपके आसपास अलार्म बटन भी पहले से फिटेड है तो आप उसे सिचुएशन के अकॉर्डिंगली बस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट लिमिट एक्सेस टू एम्प्लॉई एरिया एम्प्लॉई एरिया में लिमिटेड एक्सेस होनी चाहिए कोई भी बाहर का पर्सन एम्प्लॉई एरिया में एंट्री नहीं करना चाहिए नेक्स्ट पॉइंट डो नॉट शेयर एनी पर्सनल इंफॉर्मेशन विद स्ट्रेंजर्स आपके स्टोर्स की कोई भी इंफॉर्मेशन आप किसी भी बाहरी व्यक्ति के साथ साझा नहीं करेंगे शेयर नहीं करेंगे हमारे स्टोर की जो भी डाटा है या जो भी इंफॉर्मेशन है वो बहुत सेफ एंड सिक्योर हम लोगों को रखनी होती है नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा कॉल द पुलिस इफ क्राइम हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस और इफ देयर इज अ थ्रेट अगर हमें किसी भी तरह की कोई धमकी मिलती है किसी क्राइम के लिए या कोई क्राइम हमारे स्टोर्स पर ऑलरेडी पहले हो चुका है तो इसकी तत्काल सूचना हमें अपने नियर अबाउट पुलिस थाना को देनी है या पुलिस अधिकारी को इसके बारे में अपडेट करना है नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा डो नॉट टच और डिस्टर्ब द एरिया ऑफ क्राइम अगर किसी भी तरीके का कोई क्राइम हो जाता है तो आपको उस एरिया को बिल्कुल भी टच नहीं करना आपने बहुत बार फिल्मों में भी देखा होगा आपने बहुत बार बहुत सारे सीरस में भी देखा होगा जिसमें दिखाया जाता है कि अगर कहीं क्राइम हो जाता है तो वहाँ के कोई भी प्रोडक्ट या किसी भी आसपास के एरिया को या किसी भी चीज़ को आप टच नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ दैट आपके फिंगर प्रिंट्स जैसा कि हम लोग फिल्मों में देखते हैं आपके फिंगर प्रिंट्स भी उस पर आ सकते हैं और अननेसेसरी आप उस केस में इन्वॉल्व हो सकते हैं तो इसलिए आप किसी भी प्रोडक्ट को किसी भी चीज़ को टच नहीं करेंगे जहाँ पे कोई भी क्राइम हुआ है नेक्स्ट पॉइंट आज कस्टमर्स टू लीव द प्रोमाइसिस अगर किसी भी तरीके का कोई खतरा होता है तो आपको सबसे पहले अपने कस्टमर्स को हैंडल करना है आप कस्टमर्स को वो एरिया लीव करने के लिए छोड़ने के लिए बोलेंगे उसके लिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब कस्टमर्स को आप अपडेट कर रहे हैं तो किसी भी तरीके का कोई भी भगदड़ या शोर शराबा नहीं होना चाहिए इस चीज की व्यवस्था आपको करनी है नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट इन केस ऑफ रॉबरी लॉक द डोर्स एंड असेंबल ऑल द स्टोर स्टाफ इन बैक रूम हम लोगों को ध्यान रखना है अगर किसी भी तरीके की कोई रॉबरी हमारे स्टोर्स पर हो जाती है तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा सभी डोर्स जो हैं उनको लॉक कर देना है और अपने सभी एम्प्लॉयज़ को सेफ एरिया में असेंबल करना है स्टोर्स में और बैक रूम के अंदर उनको ले जाके पुलिस को कॉल करनी है क्योंकि हमें अपने एम्प्लॉयज़ को बचाना बहुत जरूरी है एम्प्लॉयज़ की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी एक स्टोर मैनेजर्स की होती है स्टोर मैनेजर का काम है कि वो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को भी दे तो ये हमारे प्रोसीजर एंड टेक्निक्स थी पर्सनल सेफ्टी की जब हम स्टोर्स के अंदर सिक्योरिटी रिस्क के साथ डील कर रहे हैं कंपनी पॉलिसी एंड प्रोसीजर फॉर मेंटेनिंग सिक्योरिटी ड्यूरिंग वर्क जब हम काम कर रहे हैं उस दौरान किस तरीके से हम लोगों को कंपनी की पॉलिसी एंड प्रोसीजर का ध्यान रखना है उनका फॉलोअप करना है जो पॉइंट्स आज हम इसमें पढ़ेंगे वो है ऑल मर्चेंडाइज हैज प्रॉपर सिक्योरिटी टैग द सीसी टीवी आर फंक्शनिंग प्रोपरली एंड सेट इन सच अ मैनर That they cover all display shelf, the security sensor of doors are working properly and the last the ceiling mirrors are arranged properly. So let's start first point. All merchandise has proper security tag. हम लोगों को हमारे stores के अंदर जितने भी products हैं, जो भी merchandise हैं, सभी पर security tag लगाना है। जैसे आपने pictures में देखा सभी products पर security tag लगा है। सिक्योरिटी टैग हम लोगों को अपने प्रोडक्ट की सिक्योरिटी के लिए लगाने होते हैं एक सेल्स स्टाफ का काम है कि अर्ली मॉर्निंग जब वो स्टोर्स पर एंटर कर रहा है स्टोर्स को नीट एंड क्लीन करने के बाद वो अपने सभी प्रोडक्ट्स पर सिक्योरिटी टैग को चेक करे कि क्या सभी प्रोडक्ट पर सिक्योरिटी टैग लगा है क्या वो प्रॉपरली फिट है कहीं किसी तरीके का को कोई लूज या किसी तरीके का को कोई सिक्योरिटी टैग हट तो नहीं गया है ये काम है ताकि जैसे ही कस्टमर एंट्री स्टार्ट हो हमारे प्रोडक्ट जहां भी जाएं वो चोरी होने से बच सकें नेक्स्ट पॉइंट द सीसीटीवी कैमरा आर फंक्शनिंग प्रॉपरली एंड सेट इन सच अ मैनर दैट दे कवर ऑल डिस्प्ले शेल्फ हमें अपने स्टोर के सभी सीसीटीवी कैमरास को चेक करना है फोकस करना है कि क्या वो प्रॉपरली सेट हैं या नहीं है क्या वो हमारे स्टोर्स के या हमारे जितने भी डिस्प्ले हैं उन सभी डिस्प्लो को या डिस्प्ले शेल्फ को अच्छे से कवर कर रहा है या नहीं कवर कर रहा है यह काम हमारा होता है क्योंकि सीसीटीवी कैमराज अगर नहीं चल रहे होंगे शेल्फ पर अच्छा इफेक्ट नहीं आ रहा होगा तो स्टोर्स में खतरा बढ़ जाता है नेक्स्ट पॉइंट द सिक्योरिटी सेंसर ऑफ डोर आर वर्किंग प्रोपरली ये काम होता है स्टाफ का कि वो इसको एक बार चेक करे कि जो भी हमारे सिक्योरिटी सेंसर डोर हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इस काम के लिए अगर स्टाफ नहीं है तो कई बार क्या होता है जनरली देखा जाता है कि हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो इस काम को करते हैं जैसे ही वो डोर को ओपन करते हैं स्टोर ओपन करने के लिए स्टार्ट करते हैं वो सबसे पहले अपने सिक्योरिटी सेंसर्स को चेक करते हैं कि वो पर्टिकुलरली हमारे जो सिक्योरिटी टैग हैं उनको कैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं सिक्योरिटी सेंसर बीप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इससे क्या होगा कि अगर ये प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे तो ईजली जो भी लिफ्टर्स आएंगे वो हमारे स्टोर से शॉप लिफ्टिंग करके ईजिली जा सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट द सीलिंग मिरर आर अरेंज प्रॉपरली आपको चेक करना है कि आपके स्टोर पे जो सीलिंग मिरर है वो प्रॉपरली अरेंज है या नहीं है किसी तरीके का कोई मिरर लूज तो नहीं है या अपनी जगह से हटा तो नहीं है क्योंकि ये भी एक बड़ी दुर्घटना को निमंत्रण दे सकता है तो हमको चेक करना है कि हमारे जो मिरर्स हैं वो बिल्कुल अरेंज होने चाहिए कस्टमर्स के यूज के लिए एकदम परफेक्ट होने चाहिए तो ये हम हम लोगों की कंपनी पॉलिसीज और प्रोसीजर था जिसका हम ध्यान रखते हैं जब हम वहां पे काम कर रहे हैं कंपनी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर फॉर मेंटेनिंग सिक्योरिटी ड्यूरिंग ब्रेक्स एंड आफ्टर फिनिशिंग वर्क ये हमारा इस चैप्टर नंबर थ्री का लास्ट पॉइंट है इसमें आज हम जानेंगे द सिक्योरिटी इंचार्ज वॉक अराउंड होल स्टोर्स टू एंश्योर दैट अ कस्टमर्स और स्टाफ मेंबर इज इन द वॉशरूम एंड ट्रायल रैम वेन द स्टोर्स इज क्लोज सेकेंड पॉइंट इसका होगा द सिक्योरिटी इंचार्ज लॉक्स का बोर्ड एंड अदर थ्रेफ्टॉन आइटम्स एंड द लास्ट पॉइंट सिक्योरिटी इंचार्ज टर्मस ऑफ द सिक्योरिटी सेंसर्स लाइट्स एंड सिक्योरिटी कैमराज एंड एक्टिव द स्टोर अलार्म बिफोर डोजिंग द स्टोर तो फर्स्ट पॉइंट हम लोगों का सिक्योरिटी हेड के लिए द सिक्योरिटी इंचार्ज वॉक अराउंड होल स्टोर टू एंश्योर दैट अ कस्टमर्स और अ स्टाफ मेंबर इज इन द वॉशरूम एंड ट्रायल रूम वेन द स्टोर इज क्लोज हमारे स्टोर जब क्लोज होता है क्लोजिंग टाइम नियर अबाउट होता है उस दौरान हमारे सिक्योरिटी इंचार्ज या सिक्योरिटी गार्ड्स का काम होता है कि वो पूरे स्टोर्स में विजिट करे और सर्च करे कि कोई भी कस्टमर्स या कोई भी स्टाफ स्टोर्स के अंदर अवेलेबल ना हो इसके लिए वो क्या करते हैं वो सभी ट्रायल रूम्स सभी वॉशरूम्स बैक स्टोर्स इन सभी एरिया को चेक करते हैं कि कोई भी स्टाफ या कस्टमर्स वहाँ पे अवेलेबल तो नहीं है नेक्स्ट पॉइंट द सिक्योरिटी इंचार्ज लॉक कब्स एंड द अदर थेफ्ट प्रोन आइटम्स हमारे सिक्योरिटी इंचार्ज का काम होता है चेकिंग के बाद वो जो भी हमारे एरियाज हैं जो भी हमारे कब्बोर्ड्स हैं या हमारे जो थेफ्ट प्रोन आइटम्स हैं उनको अच्छी तरीके से लॉक कर दे आज मैनुअली इस चीज को देखा जाता है जनरली हम लोग देखते भी हैं कि जो बड़े स्टोर्स हैं वहां पर हमारे जो स्टाफ्स हैं ये उनकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि अगर ऐसा कोई थेफ्ट्रॉन आइटम्स वो अपने पास लिए हैं ठीक है या जिसको वो सेल कर रहे हैं तो उनकी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसको पर्टिकुलर अच्छे से लॉक लगाकर और जब स्टोर्स को लीव करें तो वो की सिक्योरिटी हेड को प्रोवाइड करवाएं या उसको हैंड ओवर करें फिर सिक्योरिटी का हेड का काम होता है कि वो जाकर उस लॉक को चेक करे कि वो कबर्ड्स या वो थे आइटम्स जहां रखे हैं वो एरिया प्रॉपर लॉक है या नहीं है एंड द लास्ट पॉइंट सिक्योरिटी इंचार्ज टर्म्स ऑफ द सिक्योरिटी सेंसर लाइट्स एंड सिक्योरिटी कैमरा एंड एक्टिवेट द स्टोर अलार्म बिफोर डोजिंग द स्टोर इसके बाद हमारे स्टोर सिक्योरिटी इंचार्ज का काम होता है वो उस एरिया को अच्छे से चेक करें सभी सेंसर्स लाइट्स सिक्योरिटी कैमरास को क्लोज कर दें और स्टोर्स का जो अलार्म सिस्टम है उसको एक्टिवेट कर दें वो स्टोर्स का अलार्म सिस्टम अर्ली मॉर्निंग जब तक हम स्टोर्स ओपन नहीं करते तब तक वो एक्टिवेट रहता है या कई स्टोर्स में आपने लेज़र लाइटिंग अलार्म्स के बारे में भी सुना होगा लेज़र लाइटिंग अलार्म्स हमारे स्टोर्स में अगर कोई भी अनवांटेड पर्सन एंटर करता है तो लेज़र लाइट के संपर्क में आते अलार्म सिस्टम बजना शुरू हो जाता है ये भी हमारे स्टोर्स के अंदर किसी भी खतरे को होने से रोकता है जिसकी तुरंत सूचना हम लोग पुलिस डिपार्टमेंट को कर देते हैं तो ये हमारे सिक्योरिटी इंचार्ज का काम है कि वो सभी लाइट कैमरा सेंसर बोर्ड्स इन सभी को बंद कर दे और अलार्म सिस्टम्स को एक्टिवेट कर दे जिससे हमारा जो स्टोर है वो नाइट में भी सेफ रहे जब हम उसे बंद कर कर जा रहे हैं तो ये हमारा चैप्टर नंबर थ्री था होप कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसको बेहतर तरीके से अपने एंड से एक बार फिर से रिवाइज करें ताकि आप अच्छे से समझ पाएं कि किस तरीके से आप अपने स्टोर्स को सेफ एंड सिक्योर रख सकते हैं थैंक यू